हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज के इस गेम प्ले वीडियो में होने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है एक GTO Vice City के मिशन में एक बोट रेसिंग चैलेंज, जो कि ये भाई साहब हमें देने वाले हैं। तो आज का मिशन ये है, हमें बोट रेसिंग करके दिखानी पड़ेगी। तो काफ़ी सिंपल सा मिशन है, कुछ ज़्यादा अवगड़ मिगड़ मतलब मुश्किल कुछ ही नहीं है इस मिशन में। तो चलो जल्दी से इस मिशन में हम बोट रेसिंग करके इस मिशन को कम्प्लीट करते हैं। तो लेट्स गो, जल्दी से जाएंगे अभी बोट के ऊपर और वहाँ से करेंगे सीधा बोट रेसिंग। तो काफ़ी टफ चैलेंज नहीं है, काफ़ी सिंपल चैलेंज है और उसी के बाद यहाँ पे चल रही है। तो यही भाई साहब है हमें जो बोट रेसिंग चैलेंज देने वाले हैं। तो लेट्स गो, जल्दी से करते हैं बोट रेसिंग चैलेंज को। बातचीत खत्म करने के बाद हम करेंगे सीधा बोट रेस चैलेंज अभी इस मिशन की। तो भाई ये इतना भड़क क्यों रहा है हमारे ऊपर, जैसे वुमन का नाम लिया तो इतना भड़क क्यों रहा है। तो रिलैक्स करने हम इसे बोलते हैं तो ओके, फाइनली वो मान जाता है, नहीं तो हमारी कोई केयर नहीं थी क्योंकि काफ़ी भड़क गया था ये। तो चलो लेट्स गो, अभी करते हैं मिशन की बात। तो मिशन की बात करने से पहले हम करेंगे इसकी बात, क्योंकि आगे का मिशन भी यही देने वाला है हमें, क्योंकि आगे का मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आगे के मिशन में काफ़ी बड़े गैंग्स वॉर होंगे और यही वो मिशन हमें देने वाला है। इस मिशन को करने के बाद अगला मिशन यही हमें देने वाला है। तो चलो जल्दी से अभी करते हैं फाइनली बोट का मिशन। तो फाइनली हम आ चुके हैं एक तालाब के किनारे और यहाँ पे देख सकते हो एक आदमी हमारे साथ खड़ा है, जो कि कह रहा है यही बोट है, इसके ऊपर हमें रेसिंग करनी है। तो चलो इसकी बात मानते हैं और यहाँ जल्दी से जाते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैं एक बोट के ऊपर चढ़ जाता हूँ और बोट के ऊपर चढ़ने के बाद जो येलो सर्कल है उसको हमें पार करना है, जो कि कुछ मिनट दिए होंगे उसके अंदर पार करना है। तो मैंने है ना इस मिशन को एक सेकेंड रहने से पहले कंप्लीट किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है टाइमिंग। मिशन में अगर टाइमिंग नहीं रही थी ना तो मैं काफ़ी चिल मूड से इस मिशन को कंप्लीट कर लेता था, मगर हमें टाइमिंग का निर्बंध है इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इन येलो सर्कल को पार करना पड़ेगा, जितने उन्होंने सर्कल दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, काफ़ी स्पीड में बोट को चला लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर भी हमें जाना है और पता नहीं कितने सर्कल आएंगे इस झील में। तो चलो जल्दी से हम क्या करेंगे, जल्दी से येलो सर्कल को जल्दी से पार करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोड़ भी लेने पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि मोड़ लेने से हमारी बोट की स्पीड और बैलेंस बिगड़ जाता है। तो टाइमिंग का निर्बंध होने से पहले हमें इन सर्कल को पार करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से जल्दी इन सर्कल को पार करने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो आप मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, मगर मेरा बोट का बैलेंस बिगड़ गया था, मगर कोई बात नहीं, हम आगे जाते रहेंगे और फाइनली सारे येलो सर्कल को पार करते रहेंगे। तो फाइनली हमें कुछ सर्कल पार कर लिए, अभी हमें आगे जाके देखना पड़ेगा और कितने सर्कल है। तो यहाँ पे कुछ जंप भी मारने पड़ती है येलो सर्कल के अंदर से जाने के लिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है। एक जंप मारने के बाद हमें एक एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि बोट कैसे सुपर हवा में उछलती है। तो फाइनली नीचे हम आ चुके हैं, फिर से एक जंप मारने है हमें। तो इस जंप को मारने के बाद फिर से एक एनिमेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इस गेम में। तो चलो जल्दी से इस येलो सर्कल को भी हमने पार कर लिया है, अभी हम जाएंगे अगले येलो सर्कल को पार करते करते हमें टाइमिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत मेन है इस मिशन में, क्योंकि टाइमिंग से पहले हमें मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और मेरा 0.1 सेकेंड रह गया था, माइक्रो सेकेंड, तभी मैंने मिशन पार कर लिया था, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैच नहीं करती इस मिशन से, आपको टाइमिंग से पहले ही मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मैं यहाँ पे काफ़ी स्पीड में जाता हूँ इस सर्कल को पार करते करते। तो फाइनली ये सर्कल भी हमने पार कर लिया है, अभी आगे देखेंगे, आगे भी हमारे आगे ही सर्कल है, क्योंकि टाइमिंग से पहले हमें मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से इसी सर्कल को भी हम पार कर लेंगे, अभी आगे का देखेंगे। ओके, फाइनली आगे आ चुका हूँ और आगे एक और नया मिशन को छोड़ देते हैं और पिछले मिशन की बात करते हैं। तो हमने पिछला मिशन किया था कॉपलैंड, जो कि काफ़ी खतरनाक सीन था उस मिशन में, और सारे FBI पुलिस हेलीकॉप्टर हमारे पीछे लग गए थे, हमने ऐसे कुछ कांड करे थे। अगर वो मिशन आपने नहीं देखा तो मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो मिशन ज़रूर से देख लेना एक बार, क्योंकि वो मिशन देखने के बाद ही अगला मिशन होने वाला है। तो चलो जल्दी से फिर से आते हैं अपने इसी वाले मिशन पे। तो इसी वाले मिशन में बात करते हैं, अभी कुछ कम ही सेकेंड बचे हमारे इधर और इसके कम सेकेंड बचने से पहले हमें मिशन को कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ काम नहीं, बस येलो सर्कल को हमें पार करना है और बोट का बैलेंस बनाए रखना है, बस इतना ही है इस मिशन में। काफ़ी ज़्यादा अवगढ़ नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ब्रिज के नीचे से येलो सर्कल है, कुछ ब्रिज के जंप करने से येलो सर्कल मिलेंगे, इसको कलेक्ट जो हमारा एंड पॉइंट है उधर हमें जाके रुकना पड़ेगा। और मैं फिर से आपको बता दूँ, ये मिशन टाइमिंग के हिसाब से नहीं बना है, क्योंकि आपको काफ़ी तेज स्पीड में बोट घुमानी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी इन येलो सर्कल को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका मिशन ये हो पाएगा। नहीं तो आप थोड़ी दम से बोट चलाएंगे तो आपका मिशन कुछ ही पैमाने में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस मिशन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है टाइमिंग के हिसाब से मिशन। तो जल्दी से आपको बोट भगानी पड़ेगी, तभी
आपका मिशन एक कंप्लीट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से बोट भगा लेता हूँ और फाइनली कुछ ही सेकेंड बाकी है अभी इस मिशन का कंप्लीट होने में, और जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे सब सर्कल कलेक्ट करने में लग जाता हूँ। फिर से मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है, मगर मैं फिर से जैसे तैसे बोट पे काबू पाता हूँ, फिर से हम आगे जाएंगे। देख सकते हो मैं काफ़ी स्पीड में हूँ और टाइम भी काफ़ी कम बचा है, और यहाँ पे एक और येलो सर्कल है जिसको हमने पार कर लिया। अभी दो तीन ही सर्कल बाकी होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइमिंग भी कम है और येलो सर्कल की संख्या भी जो हमें दिख रही है अभी ऊपर वो भी कम है, और मेरे बीच में आ चुकी है एक बोट भाई, क्यों परेशान कर रहा है। फाइनली हमें एंड पॉइंट मिल चुका है जो कि रेड सर्कल है, इसको पार करने के बाद ही हमारा मिशन होगा कंप्लीट। और देख सकते थे मेरा माइक्रो 1 सेकेंड ही रह गया था जब मिशन मेरा फेल होते रह गया, जब माइक्रो 1 सेकेंड था तभी मैंने मिशन पार कर लिया। तो यही था आज का मिशन, मैं मिलता हूँ किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।